नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच एक बड़ी खबर गया से आ रही है। दरअसल जो हरी बांझी हैं, जो वर्तमान सांसद हैं गया लोकसभा सीट से, उन्होंने मगध मेडिकल थाने में FIR दर्ज कराई है। आखिर ये FIR किस मामले में, हम आपको वो भी बताते हैं। उनको एक कॉल आता है जिसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस धमकी के बाद क्या कुछ कह रहे हैं हरी मांझी, आप सुनिए। हाँ, उसको मनसा है, हो सकता है कि मेरा तो मतलब है कि हमला करें, जान से मारे। वे व्यक्ति जो है से मतलब है कि मनघड़ू टाइप का है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि वहाँ पर विष्णुगंज जो मेरा गांव हुआ, गोलपालपुर गांव हुआ और सटले मड़ई गांव हुआ, वो लड़का को जाकर के प्रशासन ने पता लगाए कि किस प्रकृति का ये व्यक्ति है। और हरी मांझी को साथ ही अवध व्यवहार किया, गाली गलौज किया, मारने के लिए धमकी दिया। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मेरा सुरक्षा भी बढ़ाया जाए। पुलिस में शिकायत किए हैं क्या? मैंने थाना प्रभारी को, यहाँ जो है मगध मेडिकल जो हमारा थाना पड़ता है, हमने लिखित यहाँ पर मतलब। तो हरी मांझी ने चिंता जताई है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस बार हरी मांझी को गया लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिला, उनके जगह पर विजय कुमार मांझी को टिकट दिया गया, क्योंकि वो जो सीट है वो NDA से जदयू के खाते में चली गई और जदयू के कैंडिडेट है विजय कुमार मांझी, जो कि NDA की तरफ से इस बार गया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला जीतन राम मांझी, जो कि हम के मुखिया है, महागठबंधन के कैंडिडेट है गया लोकसभा सीट से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जो अभी के सांसद हैं हरी मांझी, उनको जान से मारने की धमकी मिली है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, काफी चिंतित दिख रहे हैं। आपने उनका बयान भी सुना, आप लाइव सीट साथ बने रहिए। इस मामले में और भी क्या कुछ अपडेट आते हैं, पुलिस किस हद तक इंक्वायरी करती है, कौन इसके पीछे है, ये सभी लाइव सिटीज आपको सबसे पहले अपडेट देगा। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।